करना आप सभी प्यारे और समझदार गृहिणियों के साथ और जो कुक हैं आदमी उन लोगों के साथ। फिर से करती हूँ आपका स्वागत, स्वागत तो कर रही हूँ लेकिन सब्सक्राइब कीजिए ना मेरा ये चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आप कहेंगे कामनी जी आज आपने पहले निवेदन कर दिया, बताएंगे क्या बना रहे। अरे बताती हूँ, और आज की जो डिश मैं बना रही हूँ ना वो आप ही के कहने से बना रही हूँ। एक किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कामनी जी पनीर की भुर्जी सिखाई है, तो उसको पता है शायद कि मैं पंजाबन हूँ और शायद इसीलिए मैं पनीर की भुर्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी मैं अमृतसर गई थी तो मैं बार बार अपने पति देव से कहती थी कि मुझे पनीर की भुर्जी खानी है सिंधी कैफे हाउस में, तो मैं पनीर की भुर्जी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और आइए सिखाती हूँ आपको पनीर की भुर्जी। वैसे तो अंडा भुर्जी भी बनाते हैं लोग लेकिन मैं नहीं खाती नॉन वेज। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट लगेगा वो है ऑलिव ऑयल। आप मीठा या कड़वा तेल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये पनीर जो मैंने दूध में 1 लीटर दूध में नींबू डाल के फाड़ा है। इसके बाद ये हींग, स्वादानुसार नमक जो मैं डालूंगी। ये है टमाटर, ये है लहसुन के कुछ टुकड़े जो आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ये है अदरक के कुछ टुकड़े जो आप पेस्ट बना के डाल सकते हैं। कटा हुआ प्याज डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और कटे हुए टमाटर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये इतना सारा मसाला नहीं लगना है इसमें, इसमें लगेगा जीरा, इसमें लगेगा गरम मसाला जो कि मैं धनिया और गरम मसाला मिक्स करती हूँ, हल्दी, मिर्च। और आइए चलिए अभी सीखते हैं पनीर की भुर्जी। मैंने ये कढ़ाई जो कि बहुत छोटी सी है चढ़ा दी है आग पर, और अब मैं इसको फ्लेम मैंने कम कर दिया है क्योंकि मैं जलाना नहीं चाहती चीजों को। और मैंने ऐड कर दिया है ये ऑलिव ऑयल। अब इस ऑलिव ऑयल में मैं डालूंगी हींग, हींग के बाद बारी आती है जीरे की, और जीरा थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है और इसको मैंने थोड़ा सा कड़छी से चला दिया है ताकि मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें फटाफट डालूंगी ये अदरक के टुकड़े, और अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन के टुकड़े। अब इसे थोड़ा सा चलाने की जरूरत पड़ेगी। अब लहसुन और अदरक भूरा हो चुका है और मैंने ये 3 कटे हुए प्याज हैं ये इसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने ये 3 कटे हुए प्याज सुनहरे कर लिए हैं। पनीर की भुर्जी में प्याज को ज्यादा पकाते नहीं। अब मैं ये टमाटर कर रही हूं इसमें ऐड, और ये 2.5 टमाटर हैं इस समय मेरे पास में जो कि मैं देखूंगी कि इतने शायद नहीं लगेंगे, आधा नहीं लगेगा, 2 लगेंगे। और इन टमाटरों को मैंने ऐड कर दिया है प्याज के साथ में। अब टमाटर को पकाने के लिए एक टेक्निक होती है जो हम गृहिणियों को पता होती है। हम टमाटर में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक जिससे टमाटर फटाफट गल जाते हैं। पक रहा है टमाटर और प्याज और मुझे पकाने की बहुत आदत है लेकिन इसे रसमसा ही रखते हैं। इसका टमाटर का पानी जो है हमेशा क्या होता है कि तड़कों में टमाटर का पानी जब तक टमाटर तेल या घी ना छोड़ दे तब तक उसको भूनते जानते हैं, लेकिन पनीर की भुर्जी में थोड़ा सा टमाटर का पानी जो है वो रखा जाता है। तो चलिए अब मेरे हिसाब से ये मिश्रण रेडी है और मैं इसमें ऐड करूंगी अब पनीर। तो देखिए इस पनीर को मैंने हाथ से थोड़ा मसल दिया है। ये पनीर रेडी है अब कढ़ाई में जाने के लिए।
इसमें मैं ऐड करूंगी अब थोड़ी सी लाल मिर्च जो कि इसका कलर बनाएगी। हमारे घर में मिर्च बहुत कम खाते हैं, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। हल्दी अगर आपके घर में डालते हैं तो ठीक है, वरना पनीर की भुर्जी में हल्दी नहीं डाली जाती, इसलिए मैं वो गलत काम नहीं करूंगी। और ये अब डाल रही हूं नमक, मैंने टमाटर के लिए नमक डाल दिया था और अब पनीर के लिए नमक डाल दिया है मैंने, और इसे हिला दूंगी मैं। अब पनीर पकने में सिर्फ 5 ही मिनट या 7 मिनट लिया जाता है, पनीर को ज्यादा देर पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो पनीर सख्त हो जाता है और पनीर की जो नमी होती है, पनीर की जो टेस्ट होती है वो खराब हो जाती है अगर आप उसको ज्यादा पकाएंगे तो। तो अब पनीर रेडी है, सिर्फ इसे 5 से 7 मिनट दो बार खोलूंगी और हिलाऊंगी इसको बस, और ब्रेड के साथ परोस सकती हूँ इसको मेरे बच्चों के लिए, आप अपने घर में भी पकाइएगा। तो रेडी हो गया हमारा ये पनीर नरम नरम, देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का नमी है पानी से ऐसा आपको लगेगा, लेकिन इसको इसी तरह परोसना है, नीचे पानी नहीं है इसके, और इसी तरह परोसेंगे आप क्योंकि ये ऐसे ही नरम नरम अच्छा लगेगा। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था, मेरे एरिया में धनिया नहीं था, आप इस पर सजा सकते हैं धनिया। तो चलिए मैं इसको पलटती हूँ। गर्मा गर्म पनीर भुर्जी तैयार है पेट में जाने के लिए। कमाना खाने से मैं कामिनी खन्ना आपको ये पनीर की भुर्जी सिखा रही थी, आगे आपको जानकारी वाले वीडियो भी दे रही हूँ मैं। मैंने आपको अदरक के विषय में बताया, नींबू के विषय में बताया, बहुत सारी चीजों का ऐसे ही विश्लेषण करती रहूंगी मैं आपके लिए। देखते रहिए हमारे ये चैनल। आपको पनीर की भुर्जी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। बड़ी सौंधी सौंधी महक आ रही, खाऊं से।